नाउ तो इसमें पहले हम लोग बात करेंगे कि इनोवेशन आखिर है क्या। जैसे अभी मैं प्रीति बाला मैम के सेशन में भी काफी डिस्कशन हुआ कि इनोवेशन क्या चीज है, तो बहुत सारे लोगों ने अपने व्यू दिए इसमें। तो इनोवेशन अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो कोई भी एक मतलब नई चीज होती है जो किसी ना किसी प्रॉब्लम से निकल करके आती है। जैसे इसमें दिया है कि आर्ट और डिजाइन में क्या अंतर है, क्योंकि इनोवेशन का ये पहला स्टेप है जिसमें आर्ट के बारे में अगर बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट होता है, ये टैलेंट, सब्जेक्टिव लेबर, आउट सेल्फ, एक्ट ऑफ द फ्रीडम। तो आर्ट में ये चीज है कि आदमी कोई भी चीज बनाता है तो वो एक आर्ट की कैटेगरी में जाता है। लेकिन जो इनोवेशन में अगर डिजाइन की बात करें, तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। किसी भी इनोवेशन को करने के लिए पहले आपका प्रॉब्लम होगी, तभी उसमें इनोवेशन होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, देन ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल, उसको देखना है आपको कि इसमें फिर क्या इसका बेनिफिट आगे होगा, कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। फिर सर अ पर्पस, क्या उसका पर्पस होगा, और एक्ट ऑफ एम्पैथी, ये मतलब एक एक दूसरे से रिलेट करता है ये डिजाइन को। और थोड़ा आगे चल रहे हम लोग, इसमें बहुत सारी चीज इसमें एक्स्ट्रा भी दी हुई है। इसमें मैं कुछ चीजें जो इन्वेंशन हुए हैं, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको। जैसे एक ये है, इन्होंने के इन्वेंशन किया था, इनको इसके लिए मतलब विनर भी थे ये इंडिया के। तो इनका जो इन्वेंशन था, इसमें आप देखिए कि इन्होंने एक बुक जो थी, खास करके ये मतलब लड़कियों के बारे में इन्होंने सोचा कि जो लड़कियां हमारी होती हैं वो पढ़ने स्कूल नहीं जा पाती हैं ग्रामीण एरिया में या कहीं पर भी। तो वहां पर क्या होता है कि उनको या तो वहां पर चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, बुक्स नहीं मिल पाती है उनको, तो वो सारी चीजें इसको इन्होंने ओवरकम करने के लिए इन्होंने एक इन्वेंशन दिया था। तो इनको इस इन्वेंशन में इन्होंने क्या बताया था कि एक QR कोड डिजाइन किया था। मिश्रा सर, यस मैम, एक रिक्वेस्ट है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और अभी आप भी एडमिन हैं, नितिन सर भी एडमिन हैं, लेकिन नितिन सर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन करा मैं दीजिए। ठीक करा दे रहा हूँ, प्लीज 1 मिनट देख लो। है सर। अभी तो कोई रिक्वेस्ट ऐसी नहीं आई है मैम मेरे पास। अच्छा, मुझे कॉल किया दो पार्टिसिपेंट्स ने। मैम ठीक वो है रिक्वेस्ट, एडमिन मेरा वर्क नहीं कर रहा है मुझे लगता है। ठीक है सर, ठीक है, मैं कम्युनिकेट करती हूँ नितिन सर। तो जो मैं आपको इन्वेंशन की बात कर रहा था, उसमें एक जैसे वर्ड होता है, चुप बैठो बापू डांटेंगे, ये इन्होंने लिखा हुआ है। इसमें बताया कि जो मतलब गर्ल्स हैं, अगर वो स्कूल नहीं जा पाती हैं या उनके पास बुक्स नहीं है, तो इन्होंने एक QR कोड का एक एग्जाम्पल लिया कि इन्होंने QR कोड एक ऐसा डिजाइन किया कि जिसको हम लोग आज रीड करके तुरंत कोई भी चीज तुरंत हमारे सामने आ जाती है। तो बुक्स को लेकर के इन्होंने ये डिजाइन किया था। इसी तरह से अगर और प्रॉब्लम हम देखें, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आपके पास नहीं है कि तब तक आप कोई भी इन्वेंशन आप नहीं कर सकते। तो इसमें जैसे एक इन्वेंशन ये देखिए आप, एक क्लास 10th का स्टूडेंट है, इसने एक स्कूल का स्टूडेंट है, इसने जो हमारे डिफरेंटली एबल स्टूडेंट होते हैं उसके लिए इसने एक ऐसी व्हील चेयर डिजाइन की जो जो व्हील चेयर मतलब आप देख रहे हैं कि वो व्हील चेयर भी बन जाती है, और साथ में वो एक जो उनको चलने के लिए जो एक स्टिक होती है वो भी बन जाती है इसमें। तो ये भी इसका एक डिजाइनिंग इन्वेंशन था। तो ये उसको प्रॉब्लम ये लगी कि अगर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति है जो कहीं एक जगह जाना चाह रहा है, जा रहा है वो, तो हर जगह स्मूथ सरफेस नहीं होता है जिस पे व्हील चेयर लेके चले वो। तो इसने डिजाइनिंग दी कि इसको हम व्हील चेयर को और जो उसकी बैसाखी कह सकते हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक इसका एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और देखिए, गौतम प्रवीण क्लास 11th का कोई स्टूडेंट था तमिलनाडु का, उसने बताया कि अगर हम हाइट से हमको अगर बल्ब निकालना है, तो उसने एक डिवाइस इन्वेंट की जो उस बल्ब को निकाल सकती थी। तो ये भी उसकी प्रॉब्लम थी,
हर बार स्टूल लगाना, उस पर चढ़ना और ये सारी चीजें करना, तो ये मतलब एक आइडिया है इसका। तो मतलब ये जो सारी चीजें बता रहे हैं, ये मतलब अपने आप में खुद को ये प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया। जैसे अभी प्रीति बाला में हमने अपना जब जो प्रेजेंटेशन शुरू किया था, उसमें उन्होंने दिखाया था कि कोई मतलब ब्रूमिंग कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, तो ब्रूमिंग हाथ से कर रहा था पहले, बाद में उसको लगा कि नहीं ज्यादा देर करना है तो हम झुक करके नहीं कर पाएंगे, तो उसने एक उसमें स्टिक फिट कर दी, जो नगर पालिका या इस तरह के जो हमारे कर्मचारी होते हैं उस पर काम करते हैं, तो वो चीजें वो करते हैं। तो वो भी अपने आप में एक तरह का इन्वेंशन था। तो इस तरह से मतलब जो भी चीजें हैं, तो हम लोग इसी पर बात करेंगे आगे अब हम, कि जो इन्वेंशन तो हम लोग करते हैं अपने स्कूल में भी और अपने चारों तरफ देखते हैं, आपकी जो आप कोई भी बच्चों से कोई प्रोजेक्ट करवाते हैं और आपको लगता है कोई नया आइडिया निकल कर के आया जो अभी तक नहीं था कहीं पर, तो हम लोग उसको डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, क्लास में दिखा दिए, एग्जीबिशन लगा दिए, उसके बाद हम लोग उस पर स्टॉप हो जाते हैं, कोई काम आगे नहीं करते हैं। तो मेरा जो सजेशन आपको है, उस पर हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, मेरा सेशन इसी पर है पूरा ही। तो इसमें हम लोग पहले बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये मैंने जो आ, आ, पहले तो हम लोग बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टी क्या है, कोई बता सकता है इसमें कोई पार्टिसिपेंट? अगर मैं कहूं कि प्रॉपर्टी टर्म्स क्या है, प्रॉपर्टी क्या चीज है? बिना परमिशन के कोई और दूसरा वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर्सनल राइट। कोई भी आइडिया या थिंग जो किसी को बिलोंग करती हो सर। एक टाइप का एसेट है सर। एसेट है, बिल्कुल। मैंने अभी मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल वर्ड जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो उस प्रॉपर्टी की मीनिंग में पूछ रहा था, क्या हो सकता है प्रॉपर्टी? सर क्वालिटी। सर प्रॉपर्टी एक वो चीज होती है जिस पर किसी का अधिकार हो। बिल्कुल। और थोड़ा सा और आगे जाइए। प्रॉपर्टी सर वो चीज होती है जिस पर किसी का लीगल अधिकार है। ओके, चलिए कुछ तथ्य बता रहे हैं। प्रॉपर्टी मीन्स जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर रुपए पैसे हैं, बहुत ज्यादा मनी है आपके पास, आपकी कह सकते हैं आप वो मतलब आपकी मोनिटरियल प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके पास बड़ा सा बंगला है दैट इज योर प्रॉपर्टी, बड़ी सी गाड़ी आपके पास है वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको दिखती है दैट इज द प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या कि आपकी जो माइंड में जो चीजें चल रही हैं, जो आपकी बौद्धिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम उसको, दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एनी वर्क ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड एंड क्रिएटिवनेस, आपकी अपनी जो नई क्रिएटिविटी, दैट इज योर ओन प्रॉपर्टी। भाई हम लोग टीचर्स हैं तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन जो हमारी जो कह सकते हैं हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो नॉलेज है, उससे कोई हम अगर आइडिया अपना है, बता रहे हैं कोई चीज़, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जैसे आप लोग अपने अपनी जो घर है या अपनी जो गाड़ी है, अपना जो रुपया पैसा है, उसको सेव करने के लिए कुछ लीगल वर्क करते हैं। जैसे घर है, अगर हम आपको बताया कि उस पर हमारा लीगल अधिकार कैसे हो, उसने हमको उसने हमने उसको रजिस्टर्ड करा रखा है रजिस्ट्री ऑफिस में, या उसको हमने परचेज किया है तो मेरी प्रॉपर्टी है वो, या हमने अगर मेरे पास मोनिटोरियल प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन जायदाद है, या कोई रुपए पैसे हैं, तो उसको हम लोग तिजोरी में रखते हैं, तो वो हम लोग उसको सिक्योर करते हैं सारी चीज़ें। तो इसी तरह से हम लोग अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको भी हम सिक्योर करने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो पहले तो हम लोग बात कर लें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपकी है वो ह्यूमन माइंड में किस फॉर्म में हो सकती है, किसी प्रोडक्ट फॉर्म में, किसी प्रोसेस के फॉर्म में, ब्रांड नेम और लोगो के फॉर्म में, किसी टैग लाइन, सॉफ्टवेयर कोड, लिटरेचर एंड आर्ट्स, सॉन्ग लिरिक्स, जो भी चीज़ें नई नई चीज़ें इन्वेंट होती हैं, ये अगर आपके दिमाग की ऊपर है दैट इज योर प्रॉपर्टी। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है, आप अगर टीचर हैं, आप नए नए काम अगर कर रहे हैं इसमें, तो उसमें कैसे अपने आप को ये मतलब रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए पहले तो जो इसके स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, जो इसकी जर्नी शुरू होती है, पहली होती है आइडिया जनरेशन से।
या आपने कोई आइडिया आपके पास है तो वो आपने शुरू किया, उसको फिर प्रोडक्ट या किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपने बनाया। तो ये जो पहला दो स्टेप था, हम लोग सिर्फ इसी स्टेप तक रह जाते हैं। अब इसके आगे हमको क्या करना है, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको ग्रांट ऑफ द राइट्स, इस आपके जो आइडिया जनरेशन जो या जो आपका प्रोडक्ट बना था उसका आपको राइट दिया जाएगा। दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इसके ये होने के बाद में आपको रिकग्निशन और जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है, और ये पूरी तरह से लीगल है। आप देखते हैं, अगर मान लीजिए आप KVS में अगर जॉब कर रहे हैं, आप सैलरीड हैं, तो KVS में इसके साथ साथ आप कोई अलग से कोई ऐसा काम नहीं कर सकते आप कि जो आप इनकम का सोर्स बनाएं, जैसे ट्यूशन पढ़ाना है या कोई और काम है, तो ये इनलीगल होता है। लेकिन अगर आपका जो आइडिया है वो जनरेट आपने किया है, उसको अपने घर राय आपका रजिस्ट्रेशन करा करके आपने उसको अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, तो उससे जो इनकम है जो एज पर द रूल आपका ये अपनी बेनिफिट। तो इसमें जो मतलब क्या चीज़ हो सकती है, आपकी ओनरशिप होगी आपकी प्रॉपर्टी के, एंटाइटलमेंट इंजॉय द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द सेल प्रॉपर्टी। आप अपनी इस प्रॉपर्टी को आप अपना आपका पूरा अधिकार होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं या किसी को सेल कर सकते हैं मोनेटरी बेनिफिट के लिए। एक्सक्लूड अदर फ्रॉम द मेकिंग सेलिंग एंड यूजिंग दिस इन्वेंशन। तो ये मतलब इसके एक पार्ट कह सकते हैं हम लोग, ये मतलब इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक पार्ट है। और रीज़न बिहाइंड IPR इसमें कर दिया कि क्यों ये सब किया जाता है, आपको रिवार्ड के लिए है, और जो कम मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ आपका है, और जो आपके और चैलेंजेस इसमें हैं, जितने भी चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं वो आपकी आगे आपके बेनिफिशियल ही होता है। अब बात करेंगे कितने तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। इंडिया में ये मतलब 6 तरह की प्रॉपर्टी अभी है। सबसे पहला है पेटेंट, द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में बना था ये। इसके बाद डिज़ाइंस, ये डिज़ाइन एक्ट 2000 में डिज़ाइन हुआ था इसे। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट अमेंडमेंट, इसका जो अमेंडमेंट लास्ट हुआ है एक कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012। और इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से है, जो हम लोग कोई भी सर्किट अगर डिज़ाइन करते हैं उसका IC मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके अंतर्गत ये आता है। ट्रेडमार्क्स एक्ट है, अभी इसको देखेंगे क्या क्या चीज़ें ये हैं। और ये ग्राफिकल इंडिकेशंस, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ द गुड्स, इसके लिए भी एक मतलब ये आपका प्रॉपर्टी राइट आता है। तो ये हमारे 6 तरह की कैटेगरी है जिसमें हम लोग ये इसको हम लोग अपने साथ रजिस्टर करते हैं। अब आता है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। तो इसमें समझ लीजिए कि अगर आपने किसी आइडिया को, आपको लगता है कि मेरा ये आइडिया है जो किसी और के भी माइंड में आ सकता है, तो उसको फिर हमको बहुत जल्दी से उसको रजिस्टर्ड कराना होता है। जिसमें पेटेंट्स है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है, और रजिस्टर्ड डिज़ाइन राइट्स है, जो भी चीज़ें हैं। और कुछ आइडिया ऐसे हैं जो, जैसे अगर आपने कोई भी चीज़ अपने दिमाग में सोची है, उसका आपने कोई प्रोटोटाइप मॉडल बना लिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका लीगल ओनरशिप हो जाती है। ये अनरजिस्टर्ड IP है, लेकिन अगर इसको किसी ने, दूसरे ने अगर इस पर आइडिया करके और इसको बना करके वो रजिस्टर्ड कराता है, दैट इज़ द, तो वो फिर उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, और ये जैसे इसमें वर्ड है ट्रेड सीक्रेट, तो अगर कोई चीज़ आपने बनाई है वो पूरी तरह सीक्रेट है, तो फिर वो आपकी खुद की अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो गूगल का जो प्रोग्रामिंग है, गूगल का जो कोडिंग है, जो गूगल का जो सर्च इंजन है, वो उनका ट्रेड सीक्रेट है, वो किसी को नहीं पता है। या अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स में जाइए, जो कोको कोला का जो ब्रांड है, उसका जो सीक्रेट है उसके कंटेंट का, दैट इज़ द उस ट्रेड सीक्रेट, वो इन्होंने किसी को ओपन नहीं किया हुआ है। मैगी मसाला आप देखते होंगे, वो भी उनका ट्रेड सीक्रेट है, अगर वो नहीं भी रजिस्टर्ड कराते तो उस मसाले के बारे में नहीं। तो दैट इज़ द अनरजिस्टर्ड IP। ये दोनों में डिफरेंस है। अब आते हैं कि ग्रांट, व्हाट इज अ ग्रांटेड पेटेंट एंड द हु कैन फाइल, कौन इसको कर सकता है। तो ये सीधी सी बात है, जिसकी अपनी इन्वेंशन है वही उसको कर सकता है। इसमें क्या क्या चीज़ें ग्रांट हो सकती हैं, आपका प्रोसेस, आपका कोई प्रोडक्ट है, थिंग्स आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेचर,
कैन नॉट बी पेटेंट। अगर कोई चीज पहले से अवेलेबल है लेकिन वो पेटेंट नहीं है अगर, तो आप उसको पेटेंट कर सकते हैं अगर आपने अपना आई जनरेशन किया है। बाकी न्यू है कोई और जो इन्वेंटेजनिस है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये सारी चीजें आप उसको पेटेंट करा सकते हैं। बुक एंड फाइल, जो जिसको खोज करता है, जो जो उसको इन्वेंट किया है वो फाइल कर सकता है, या आपने किसी को असाइन किया है तो वो उसको फाइल कर सकता है, या किसी को आपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया तो वो भी इसको फाइल कर सकता है। और इसके बाद इसमें दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए पूरा फॉर्म आता है ये। और इसकी इंडिया में ये 4 जगह इसकी ब्रांचेज है पेटेंट ऑफिस की, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई। कॉपीराइट एंड इट्स ड्यूरेशन, तो कॉपीराइट बारे में बताया आपको, कोई भी लिटरेचर आपका है, लिटरेसी आर्टिस्टिक वर्क कोई आपका है वो आप कॉपीराइट करा सकते हैं। प्रोटेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स एंड थॉट्स, कोई आपका जो वर्ड्स है थॉट्स है उसको पेटेंट करा सकते हैं, बट नॉट द आइडिया। आपके दिमाग में कोई चीज़ आइडिया है वो पेटेंट नहीं करा सकते आप, उसको फिजिकली कहीं लाना होगा। आपने कोई चीज़ लिटरेचर लिखा हुआ है या कोई थॉट आपने किया है तो उसको पेटेंट करा सकते हैं। ग्रांट फॉर द ओरिजिनल वर्क्स इन एनी मटेरियल फॉर्म, कॉपी राइट लॉ प्रोटेक्शन, क्रिएशन ओरिजिनल मटीरियल्स फ्रॉम द अनऑथराइज डुप्लीकेशन, मतलब कोई उसको दोबारा उसको कोई डुप्लीकेट ना कर पाए, ये चीज़ें हैं। तो और इसके जो ड्यूरेशंस बताए गए हैं, अगर कोई भी चीज़ आप पेटेंट कराते हैं तो वो कितनी ड्यूरेशन तक का होता है, जैसे कोई भी जैसे पब्लिश लिटरेचर आपका है, ड्रामेटिकली म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क है, तो आपकी ऑथर लाइफ प्लस 60 ईयर्स, इतने ड्यूरेशन के लिए वो पेटेंट होता है। आपकी कोई फोटोग्राफ्स अगर पेटेंट करा रहे हैं तो ऑथर लाइफ 60 ईयर्स है। ब्रॉडकास्ट कोई है तो वो 25 ईयर के लिए होता है। सिनेमाटोग्राफी फिल्म 60 ईयर के लिए होता है। वर्क पब्लिश अनोनिमसली ऑथर लाइफ प्लस 60 ईयर्स के लिए होता है। ये इसकी ड्यूरेशन दी गई है जो नाम से इसके। फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा बात करेंगे ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं। तो ट्रेडमार्क्स कुछ नहीं, जो जो सिंबल्स यूज करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को पेटेंट कराते समय, दैट इज द आपको मैं इसके लिए जो ड्यूरेशन दिया गया है 10 ईयर का है, और हर आफ्टर 10 ईयर आप इसको रिन्यू करा सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल इसको आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके। इसका मतलब यूज़ क्या है ट्रेडमार्क्स का, कि जो गुड्स आपका सामान है वो इजिली आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे हम लोग कोई एप्पल का मोबाइल अगर देखते हैं तो उसके पीछे उसका सिंबल बना होता है, दैट इज़ द ट्रेडमार्क्स, वो उनका ट्रेडमार्क्स है। तो आदमी को दिखते ही वो लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ एप्पल की बनी हुई है ना। तो ये मतलब होता है, प्लस वो अपनी क्वालिटी की गारंटी भी देते हैं वो, और एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन द गुड्स आर सर्विसेज, उसको प्रमोट करने में भी ईजी होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं स्क्रीन पर आपको, ये सारे के सारे ट्रेडमार्क्स हैं और ये दिखते ही पहचान जाते हैं। जैसे कोई भी सिम, जैसे आप देखिए फोक्सवैगन गाड़ी का सिंबल दिया हुआ है, तो कहते हैं इस कंपनी की गाड़ी है, KFC, ये सब पेटेंट किए हुए इन लोगों के हैं। मैकडोनाल्ड का है, टोयोटा का है, आपके जो कि ट्विटर का है, फेसबुक का है, ये सारे के सारे ट्रेडमार्क्स हैं, ये सारे पेटेंट किए हुए होते हैं। इसी तरह से ट्रेड सीक्रेट आता है, ट्रेड सीक्रेट के बारे में बताया था आपको, कि जो चीज़ें मतलब किसी को पता ही नहीं है ये चीज़ें, इसके बारे में कह रहा है कि ये मतलब आपने बनाई और आप किसी को इसको पब्लिक नहीं करेंगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली ये अनरजिस्टर्ड IP होती है, तो ये ट्रेड सीक्रेट का इसमें आता है कैटेगरी। फिर रीजन फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्रेड सीक्रेट्स, टू मेंटेन द प्रोटेक्ट फेयर ट्रेड डीलिंग एंड कमर्शियल इथिक्स, जो भी मतलब चीज़ें इसमें बिजनेस में इनको कोई बेनिफिट्स हो या इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं वो, और टू अवॉइड अननेसेसरी रिस्क एंड अनऑथराइज्ड कॉपिंग, उसको मतलब कोई और कॉपी ना करे इसलिए भी उसको पेटेंट करा सकते हैं, और टू प्रोवाइड द इंसेंटिव टू द बिजनेस। और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड सीक्रेट्स, इसके बाद फिर डिज़ाइन वैल्यू एंड ड्यूरेशन ऑफ डिज़ाइन के बारे में है ये। ड्यूरेशन ऑफ डिज़ाइन प्रोटेक्शन में 15 ईयर तक का टाइम है इसमें। द राइट्स इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, एक्सटेंडेड बाय द अनदर 5 ईयर्स।
और ये सर्किट्स के बारे में है जो हमारी आईसीस का मेंशन करते हैं अगर, तो इसके लिए जो प्रोसेस दिया गया है वो मतलब कैसे इसको करेंगे, इसमें मेन है कि वो कितने ड्यूरेशन के लिए है और कितने कैसे इसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये भी मतलब 10 ईयर का पीरियड्स होता है किसी भी डिज़ाइनिंग का। और जियोग्राफिकल इंडेक्स इंडिकेशन भी जो है वो भी हम लोग पेटेंट कर सकते हैं, इसमें ये करते क्या कैसे कर सकते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स के लिए है या कोई नेचुरल गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, जैसे इन्होंने कुछ चीज़ें जो वो पेटेंट की हुई है जैसे बासमती राइस जिस एरिया में ये होता है वहाँ के एरिया को पेटेंट कराया है, दार्जिलिंग टी, कश्मीर सेफ्रॉन, तो ये एरिया को ये मतलब रिप्रेजेंट करता है, अगर आप उसमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको सर्च करें तो आप इसके बारे में ऑटोमेटिक आता है। सर एक छोटा सा सर बताइए क्वेश्चन था इस बारे में सर, यदि GIQ टैग अपने इंडिया में अपन देते हैं जी अपने फूड को तो वो इंटरनेशनली वैलिड वैलिडिटी? यस सर, इंटरनेशनल वैलिड है। मैंने जो आपको बताया था 4 ऑफिसेज आपको दिख रहे थे, ये ग्लोबली होते हैं सर, वो इंडिया में इनकी ब्रांचेस वहाँ वहाँ पे, जब हम लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो इसको 2 से 3 महीने का समय लेते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि पहले से कोई चीज़ वो इन्वेंट तो नहीं है, आप उसकी कॉपी तो नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं, फिर उसमें जो भी चीज़ें होंगी आपको इन्फॉर्म करेंगे। वही मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। ओके, तो जियोग्राफिकल इंडेक्स के बारे में हो गया, तो इस चीज़ को बताने का जो मेरा पर्पज़ आपका ये था कि मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस फील्ड को उसके आगे तक लेके जाइए, उसको रिकग्नाइज कर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें और बताना चाह रहा था, मैं आपको कुछ चीज़ें लाइव में दिखाना चाह रहा हूँ इसमें, जस्ट अ मिनट। जैसे मैंने एक मैं खुद भी अपना एक चीज पेटेंट कराया था, जस्ट अ मिनट सर। जैसे कोई भी चीज़ हम पेटेंट कराते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको, जैसे एक कॉपीराइट ऑफिस में ये मैंने अपना जो मैंने बुक मैंने जो लिखी थी पब्लिश की थी उसके कंटेंट को भी मैं पेटेंट कराया था। इसका 2 पर्पज़ था कि पहले तो जो मैंने कंटेंट बनाया वो मेरा ओरिजिनल है या नहीं है, तो मैंने तो अपना भाई ओरिजिनल अपना कंटेंट पूरा डिज़ाइन करके पूरी बुक तैयार करी, फिर मैंने इसको पेटेंट के लिए अप्लाई किया। तो पेटेंट अप्लाई करने के लिए जो इसकी फ़ीस थी 500 रुपीज़ थी, और कॉपीराइट ऑफिस मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, तो वहाँ पर ये पूरी बुक को मेरी वो देखते हैं, वो इन्होंने 3 महीने का समय लिया इसको, और इसमें सारा डिटेल इसमें दी जाती है, जैसे इन्होंने देखिए डायरी नंबर और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि जैसे कि मतलब क्या एक क्या कंटेंट था, मैं क्या जैसे ऑथर है, हमारा लिटरेचर ड्रामेटिक वर्क था, बुक का नाम मैंने टाइटल ऑफ द वर्क मैंने दिया था अपना वर्क एजुकेशन फॉर बिगिनर पार्ट 1, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी, जिसने मतलब मैंने जो मैं जो मैं इस ओन जो ऑथर था उसकी डिटेल यहाँ दी गई है, और ये बुक तब पब्लिश नहीं हुई थी तो अनपब्लिश लिखा हुआ है ये, और सारी डिटेल इसमें दी हुई थी सारी। तो इस चीज़ के बाद में मैंने इसमें सारा जो इसके सारे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पहले इसमें दी जाती है। फिर इसके बाद में सेकंड स्टेप में इन्होंने मुझे इसका एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड किया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से हमको इन्होंने एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड किया कॉपीराइट ऑफिस ने कि ये जैसे मैंने अपने किसी एडवोकेट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करवाया था, तो उसको उन्होंने इसका एक्नॉलेजमेंट दिया कि आपका ये कंटेंट हमारे पास आया है 7 जुलाई 2023 को इसको रजिस्टर्ड किया और ये कंटेंट लिए, और उसके बाद उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया, और ये सारा कंटेंट प्रोसेस होने के बाद फिर उन्होंने मुझे लेटर भी उन्होंने मुझे एक दिया था जो उसकी जो कमियां थी उन्होंने बताई थी, क्योंकि इसमें इन्होंने मुझे जो टाइम दिया देखिए 22/8/2023 लगभग 1 महीने से ज़्यादा 1.5 महीने से ज़्यादा का समय लिया इन्होंने, और फिर मेरे एडवोकेट को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि सब्जेक्ट डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ डायरी नंबर इतना जो मेरा कंटेंट था। तो इसमें इन्होंने बताया कि
जो आपका कंटेंट है उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन का नाम मैंने यूज किया था, तो इन्होंने लिखा था कि फर्दर इन एडिशन टू अबव एप्लीकेंट इज डायरेक्टेड टू सबमिट द एनओसी फ्रॉम द केंद्रीय विद्यालय संगठन। कंटेंट में मेरे कोई प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि आपको एनओसी सबमिट करनी होगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन को आपके इस पब्लिकेशन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे केवीएस की गाइडलाइन में भी है कि कोई भी चीज अगर आप बाहर पब्लिश करने जा रहे हो तो ये कंटेंट आपका अपना ओरिजिनल हो और सारी चीजें उसमें दी जाती हैं, तो ये इन्होंने मांगा। फिर ये तो ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा था जस्ट एन एग्जाम्पल है ये आपका कि किसी भी चीज को हम लोग कैसे कॉपीराइट करवा सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। एनीवन? यस सर, हो रही है। तो कुछ चीजें और मैं इसमें जैसे एक जस्ट मैंने नोट्स यूज करना पड़ रहा है अपना, तो एक एक जगह एक इसमें मैंने जैसे मैंने ट्रेड मार्क्स आपको बताया था, तो ट्रेड मार्क्स में अगर किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी आर्टिकल के साथ अगर ये मार्क्स लगे हुए हैं, टीएम लिखा है या आर लिखा है सर्किल पे या एसएम लिखा हुआ है, दैट इज द ट्रेड मार्क्स पेटेंट बाय सम ओनर, इस भी प्रोडक्ट को उस ओनर ने इसको मतलब अपना पेटेंट करा रखा है। वो कुछ एग्जांपल भी देते, जी मेल का सिंबल है, ये स्क्रैच बाइट का सिंबल है, मैकडोनाल्ड का है, अमेजोन, नाइक, तो ये सारे जितने भी हैं ये सारे मतलब पेटेंट किए हुए अपने हैं। ये इसमें एग्जांपल दिया कि कौन से आर की कैटेगरी में है, कौन से एसएम की कैटेगरी में, कौन से टीएम की, तो ये इसमें दिए हुए हैं। और एक इसमें वर्ड आता है ट्रेड जैकेट भी बहुत मतलब अपने आप में एक बहुत एक अच्छी चीज है जो लोग बिजनेस में यूज करते हैं। ट्रेड जैकेट में क्या है कि हम लोग अपने उस प्रोडक्ट को जिस चीज में हम लोग उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं उस चीज को ही हम पेटेंट करा लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो ट्रेड मार्क्स का ही है, ट्रेड ड्रेस वर्ड है ये। तो ट्रेड ड्रेस में आप देखेंगे जैसे आपने इन्होंने कुछ बॉटल्स आपने देखी होगी, ये जैसे कोका कोला की ये बॉटल है, तो ये इनकी जो ये ट्रेड ड्रेस है इनकी, मतलब इन्होंने कोका कोला प्रोडक्ट को इस बॉटल में रख रखा है, तो ये अपने आप में एक तरह का ये भी पेटेंट कराया हुआ प्रोडक्ट है कि ये मतलब कोई भी इस ऑब्जेक्ट को देखे तो पहचान जाए कि ये फला चीज है। या जैक डैनियल की बॉटल है, लिस्ट्रीन जो हमारा कूल मिंट जो मतलब माउथ या टूथ क्लीनर के लिए यूज करते हैं लिक्विड हमारा, तो ये बोतल के डिजाइन इस तरह बनाने का जो कारण है कि ये इसको इन्होंने पेटेंट करा रखा है। और इसका रीजन है कि ये मार्केटिंग में और सारी चीजों में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी को फिर इसके नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सीधे उसको कैच करेगा कि ये फला चीज मेरी है या मुझे यही चीज लेनी है, तो ये इनके बिजनेस में भी हेल्प करती है और ये सारी चीजें इसमें हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स और भी जैसे ट्रेड इनफ्रेगमेंट भी होते हैं जो चीजें लोग डुप्लीकेट करके बनाते हैं, जैसे ये ट्रेड इनफ्रेगमेंट कैटेगरी में आता है, जैसे पुम्मा रजिस्टर्ड है लेकिन कुम्मा करके इन्होंने डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो ये मतलब ये गलत चीज है, ये है तो वर्ड अलग अलग लेकिन ये इलीगल होता है। जैसे पेटीएम है, तो पेटीएम के साथ एक सिंबल दूसरा देखिए दिख रहा है, पेपाल किसी ने दूसरा इसको इन्वेंट किया, तो वो चीजें मतलब डुप्लीकेसी में आती है। तो हम कहने का मतलब ये कि सर आप जो भी काम करिए अपना, जो भी चीजें आप वर्क इसमें परफॉर्म करिए उसको आप डॉक्यूमेंटेशन में भी लाइए जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारा एक पार्ट था जो मैंने आपको कवर किया कि हम कोई भी वर्क करें तो उस वर्क को एक अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना करके वहां तक ले जाएं उसको। ये नहीं कि आपने अगर बच्चों के साथ अगर कोई भी वर्क आप कर रहे हैं और आपके पास इन्वेंशन के इतने ऑप्शन हैं सर कि आप अपनी फील्ड में बहुत सारे वर्क आप कर सकते हैं और ये वर्क दिखते हैं। आप अगर आप स्कूल में किसी टीचर की बात करो, आप किसी और सब्जेक्ट टीचर की बात करो आप, तो उनके पास स्कोप ज्यादा नहीं है
अगर हिंदी का टीचर है तो हिंदी के किताबों में ही उलझा रहता है, इंग्लिश का है, मैथ का है, साइंस का है, तो साइंस में तो इन्वेंशन आ सकती है, बहुत सारी इन्वेंशन आती है, लेकिन फिर भी उनका एक डिफाइंड कोर्स है, उसी में वो सारे वर्क करते हैं। और वहीं अगर आप एक डब्ल्यू ई टीचर हैं, तो मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया, हर चीज़ मैंने आपको बताई, उसमें देखा आपने कि इतना वाइड सिलेबस आपका है कि आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं, और के वी एस की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं। मैंने आपको सिलेबस का जब मैंने ऑफलाइन टाइम में बताया था, तो जो सिलेबस हमारा सी बी एस सी हमको प्रिस्क्राइब करता है, उसमें बोला गया है कि उस पूरे पार्ट के पोर्शन में, किसी भी पोर्शन को लेकर के आप उसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे प्रीति वाला में उनका इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा वर्क है, वो इन्वायरमेंट एजुकेशन में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। अभी जैसे वोकेशनल एजुकेशन चल रहा है, तो वोकेशनल में तमाम नई तरह की चीज़ें आ रही हैं अभी सामने, और उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी काम करने का। तो वो सब, और आप सारे जिस एजुकेशन से और जिस चीज़ से आए हैं, आपका जो जो थिंकिंग है, माइंड थिंकिंग है, बहुत अलग तरीके की है। इसमें के वी एस में कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे हम लोग का एक नेशनल इंस्पायर अवार्ड होता है, किसी ने सुना है नाम इसका? ये सर आजकल चल रहा है हमारे स्कूल में, ये वाला चल रहा है, रेजिग्नेशन हो रहा है इसका। हाँ, इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस एक होता है, वो भी सुना होगा आपने। तो हाँ, तो इन सब चीजों में अगर आप लगते हैं, तो उसमें भी जो इसके स्टेप्स दिए हुए हैं कि पहले वो जैसे पूरा जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है अगर हमारा, तो गवर्नमेंट केवीएस को एक अलग स्टेट के तरह से ट्रीट करके चलती है किसी भी चीज में। जैसे मान लीजिए अगर हमारे इंडिया में 26 स्टेट हैं, 27 स्टेट हैं, तो उन स्टेट्स के अलावा भी केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, इनको ये कहते हैं कि नहीं, ये हमारा 27वां और 28वां स्टेट है, और यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन होगा वो हम अलग स्टेट के तरह से ट्रीट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने इंस्पायर अवार्ड में पार्टिसिपेट किया है, तो बच्चे वो जनरली वो साइंस टीचर को मार्क कर दिया और बच्चे उसमें काम करते हैं, लेकिन जो इनोवेशन एक इंजीनियर दे सकता है वो शायद साइंस टीचर इतना ना दे पाए। उसको लाइव बनाना, उसमें इन्वेंशन करना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड वर्क करना, सर्किट डिज़ाइन करके कोई चीज़ बना देना, तो ये सब इन्वेंशन का एक पार्ट है। और अगर आप उनकी उसमें मदद करते हैं, तो वो आपके मतलब आप ही उसको गाइड करके आगे ले जा सकते हैं। जैसे प्रीति बाला मैंने बताया था कि आप साइंस की बुक जरूर पढ़ा करिए, आप उसमें छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो आगे चल करके बड़ा रूप ले सकता है। मैं भी आपको एक अपना भी एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें हुई हैं। तो उस वह इवेंट में आप बच्चे की जब आप हेल्प करोगे कि मुझे मतलब इस बच्चे का वो जो प्रोडक्ट बनाने में आप उसकी हेल्प कर रहे हो, बच्चा कोई आइडिया लेकर के आया, सर मैं इस पर काम करना है, तो वो साइंस टीचर के पास जाएगा। अगर उसको लगता है कि हमारे जो डब्ल्यू ई वाले सर है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट और इन सब की चीज़ों के बारे में हमको बताते हैं, तो ज़रूर आपके पास आएगा, सर इस चीज़ को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। तो उस केस में फिर जो आप जो है उसकी आप हेल्प करेंगे, तो जो भी आइडिया आप उसको देंगे उस आइडिया पर वो काम करेगा, और उसकी आप हेल्प करेंगे, फिर वो बाद में अगर वो लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा जा रहा है, तो आप उसको गाइड करिए, एज ए गाइड आप उसके बनिए, और पूरे जो उसकी रिपोर्ट्स है और जो भी उसका प्रेजेंटेशन है उसको तैयार करवा करके आगे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं आप। उसमें इंस्पायर अवार्ड में गवर्नमेंट फंडिंग भी करती है, इनिशियल स्टेज पर अगर कोई बच्चा स्कूल लेवल पर काम करना चाह रहा है, तो पहले अपना आइडिया वो बना करके सबमिट करेगा सिनॉप्सिस उसकी, और जनरली वो रीजनल लेवल पे सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप 10 आइडिया भेजोगे तो 2-3 आइडिया जरूर सेलेक्ट होता है, और गवर्नमेंट उस आइडिया पर आपको 5,000 या 10,000 रुपीस तुरंत उस बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफर करती है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं आप उसको यूज करिए पैसे को। फिर अगर वो रीजनल लेवल से सेलेक्ट होकर के आगे नेशनल में जा रहा है, तो फिर उस पर गवर्नमेंट फंड करती है, वो उसमें भी अमाउंट फिर देती है कि नहीं अब आप इसको नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो जैसे स्टेट में होता है कि इस एक एक डिस्ट्रिक्ट के अगर 100 विद्यालय हैं, तो 100 विद्यालयों ने अपना इन्वेंशन बना करके वहाँ पर सबमिट किया, तो उन 100 विद्यालयों में से रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कुछ मॉडल सेलेक्ट होते हैं। तो सेम उसी तरह से हमारा जो रीजनल ऑफिस है, जैसे दिल्ली रीजन है, देहरादून रीजन है, तो ये रीजन एज ए डिस्ट्रिक्ट ट्रीट किए जाते हैं के वी एस में, कि पूरे देहरादून रीजन मतलब देहरादून डिस्ट्रिक्ट से कितने मॉडल हमारे ऊपर जा रहे हैं। फिर वो मॉडल हमारे नेशनल लेवल पर जाते हैं,
अगर वो सेलेक्ट हो रहा है तो नेशनल लेवल पे उसमें गवर्नमेंट उसको फंड करती है, वो हमारा एज ए स्टेट ट्रीट होता है। और जब हम केवीएस एज ए स्टेट हम उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तब हम नेशनल लेवल पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चा आपका अगर सेलेक्ट होता है तो आपका एक इनोवेशन होगा, आपका एक एक्सपेरिमेंटेशन होगा, आपकी जो आपका जो कह सकते हैं करिकुलम, आपका जो बायोडाटा है उसमें वो चीजें ऐड होंगी। और सर एक क्वेश्चन था सर, प्लीज बताइए सर। सर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मतलब साइंस प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं या डब्ल्यूई की कैटेगरी में, ऐसा कुछ रहता है मतलब? सर ये कैटेगरी तो मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि जो मतलब ये मतलब इनोवेशन टाइप की ही चीज है वो, तो अगर आपने कोई आइडिया दिया तो कोई जरूरी नहीं वो साइंस से रिलेटेड हो, आप कोई भी आइडिया इसमें जनरेट कर सकते हैं, कोई भी गेम या इस तरह की चीजें भी आती हैं उसमें कि मतलब कौन कौन सी चीजें, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो साइंस की चीज हो सकती है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार एक बच्चा मेरे पास आया, उसने साइंस की बुक में एक जगह दिया हुआ है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्लास सेवेंथ का एक टॉपिक है, अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें दिया है कि मतलब जो परकुलेशन रेट ऑफ द सॉयल, मिट्टी का परकुलेशन रेट एक कैलकुलेट किया जाता है। जब हम लोग कोई नई बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग को बनाते समय जो उसमें सीवर लाइन बनानी है या उसका जो पिलर बनाना है तो उस लैंड का एक टेस्ट होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का। उसके साइंस के एक्सपेरिमेंट हैं, उसमें एक मतलब ट्यूब पर क्या नाम है फनल में फिल्टर पेपर रख करके उसमें कुछ मिट्टी रखी जाती है उस जगह की, और उसमें हम पानी डालते हैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, 100 ml या 1 liter, तो 1 liter पानी उसको फिल्टर होने में कितना टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज द परकुलेशन रेट। तो वो डिपेंड करता है कि वो हमारी जो सॉयल है वो कितना कंटेंट अपने साथ स्टोर कर पा रही है या कितनी देर में वो पानी हमारा डिजॉल्व हो रहा है ना। तो वो ये जो फैक्टर है ये यूज किया जाता है कि जहां पर हम सीवर या सीवेज बनाएंगे तो कितना पानी वो होल्ड करेगा या कितना हमारा वो ग्राउंड लेवल में जाएगा। तो उस बच्चे को मैंने आइडिया दी कि आप एक काम करो, इसको क्रॉप में यूज करो, आप गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, या ये हर एरिया में अलग अलग फसल होती है, तो जिस एरिया में कोई फसल बहुत अच्छी हुई तो उस बच्चे ने क्या किया, उस मिट्टी का परकुलेशन निकाल के एक कैलिब्रेशन टेबल बनाई, फिर किसी दूसरी फसल के लिए उन्होंने कैलिब्रेशन टेबल बनाई, और इस तरह से उसने कई चार पाँच छः तरह की फसल की कैलिब्रेशन टेबल बनाई, और उसने फिर क्या किया उस जगह से हट के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या किसी दूसरे जगह जा करके उसने वहाँ के मिट्टी के परकुलेशन रेट की फिर टेबल बनाई और कंपेयर किया उसने कि इस एरिया में ये फसल ज़्यादा अच्छी हो रही है, इस एरिया में कम फसल हो रही है। तो दैट इज़ द मतलब जो उसमें फैक्टर था कि उसने परकुलेशन रेट को ही बताया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिस सॉयल में जितनी कम या ज़्यादा या जितनी रेटिंग की वैल्यू आ रही है उसमें वो फसल ज़्यादा हो रही है। तो अगर किसी किसान के यहाँ पे गेहूं की फसल बहुत कम हो रही है और उसका परकुलेशन रेट समथिंग एक्स वैल्यू का है, और किसी किसान के यहाँ गेहूं की फसल बहुत अच्छी हो रही है जिसका परकुलेशन रेट वाई कैटेगरी का है, लेकिन वहाँ पर दूसरी फसल जो है उसका जो मतलब मान लीजिए कोई उसने दूसरी किसी क्रॉप की खेती की, उसकी फसल बहुत अच्छी है लेकिन उसका जो परकुलेशन रेट है वो एक्स कैटेगरी का, जो दूसरी जगह पर गेहूं के लिए अच्छा नहीं था, तो उसने उस किसान को सजेस्ट किया कि आप इस चीज़ के बजाय इस चीज़ की खेती करो तो ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो उसका एक आइडिया था, तो ये आइडिया उसने प्रेजेंट किया और वो हमारा मतलब नेशनल लेवल तक गया, डिस्ट्रिक्ट से रीजनल, रीजनल से डिस्ट्रिक्ट तक। तो ये मतलब एक तरह का इन्वेंशन आपका है इसी तरह से मतलब। मिस्टर जी एक मिनट। यस सर प्लीज। आप बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो इस बच्चे ने प्रश्न पूछा था वो प्रश्न ये था कि जो प्रोजेक्ट है वो आपका साइंस कैटेगरी में आएगा या सीडब्ल्यू में आएगा, डब्ल्यू वर्क एक्सपीरियंस में आएगा। तो इसका प्रश्न का उत्तर शायद ये हो सकता है कि देखिए होता क्या है कि आप साइंस विंग से ही हैं, आप साइंस एक्सटेंशन इसलिए हैं, आप कह सकते हैं अप्लाइड साइंस में काम कर रहे हैं डब्ल्यू वाले सारे। जो प्रोजेक्ट साइंस में बनाया जा रहा है नेचुरली उसके पीछे जो भी आपकी थीम होगी, जो भी आपका उसके जो फंक्शन काम करेगा उसको आप एक्सपेरिमेंट तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि प्रोजेक्ट जैसे मानक में वो जाएगा तो साइंस वाले में ही, लेकिन आपका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है और आप भी उसमें जो है इनोवेशन आप उसमें डाल सकते हैं। बच्चा जो है सिर्फ साइंस पर ही आधारित थी, अब अभी तो आजकल जो है मल्टी जो है डिसिप्लिनरी जो प्रोजेक्ट्स है उस पर काम किया जा रहा है,
तो मैं समझता हूँ कि जिसने भी प्रश्न पूछा था वो इस बात से सहमत होगा कि आप बेसिकली साइंस से ही हैं और आप अप्लाइड साइंस से एप्लीकेशन ओरिएंटेशन में हैं, आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस में हैं। वो लोग तो अपने थ्योरी पढ़ा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल जो है आस्पेक्ट है वो आप करा रहे हैं, इस वजह से आपका साइंस से जुड़ना, उनको कॉम्प्लीमेंट करना और उसमें प्रोजेक्ट में मदद करना, ये शायद मैं समझता हूँ WET का एक तरह से एक्सटेंडेड जो है रूल है आपका। Am I correct, sir? Yes, sir. Okay, sir. Thank you. और हम चाहेंगे कि लास्ट में करीब 30 मिनट्स जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स को दिया जाए और वो मुझे ये बताने का प्रयास करेंगे कि आज सुबह से आपने किन किन कौन कौन से आपके टेक अवे पॉइंट्स रहे हैं जिन पर आप जिन्हें सुना और जिससे आप सहमत हैं, दूसरा आज के दिन में, तो उसके बाद में अपने जो एक महीने के अनुभव होंगे जब आप अपने क्लास में जाते हैं, जब आप अपने स्कूल में काम करते हैं, तो उसमें आपके जो चैलेंजेस हों उसको तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं चाहे तो, या आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप क्वेश्चन डाल दीजिए।